ठीक है, क्वेश्चन दिया है कैलेंडर का भी इस्तेमाल है इसमें और जो है हमारे एलसीएम वगैरह का भी यूज होगा इसमें। ठीक है, देख बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि जोसेफ है जो क्लब में जाता है किसी हर पांचवें दिन, और हर्ष है वो क्लब में जाता है हर 24वें दिन, और सुमित है वो क्लब में जाता है हर 9वें दिन। ठीक है, 5, 24 और 9वें दिन ये लोग क्लब में जाते हैं। कहता है कि तीनों एक बार मिलते हैं संडे को। ठीक है, तीनों एक बार संडे को मिलते हैं, तो कह रहा है कि दोबारा वो लोग कौन से दिन को मिलेंगे। ठीक है, दोबारा वो लोग फिर कौन से दिन को मिलेंगे। तो देख हम लोग पहले ये पता करना पड़ेगा कि ये जो संडे है वो कितने दिन बाद आया है, मतलब कि ये जोसेफ है 5वें दिन जाता है, हर्ष है 24वें दिन जाता है, सुमित है 9वें दिन जाता है। मतलब एक ऐसा नंबर चाहिए जो इस 5, 24 और 9 से पूरी तरीके से डिविजिबल हो, वही नंबर हो सकता है संडे, है ना। तो वो चीज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन सब का हमें एलसीएम निकालना होगा। तो देख लेते हैं, जैसे है 5 है 9 है 24 है। ठीक है, ऐसा वाला बचपन में बहुत किया होगा एलसीएम के लिए। ठीक है, तो देख 5 का तो जाएगा नहीं, 5 का 5 ऐसे उतर जाएगा। अगर मैं 3 से भाग दूं 3 तो 5 ऐसे आ जाएगा, 3 3 का 9 और 3 8 24। फिर 3 से भाग दिया तो 5 ऐसे आ जाएगा, 3 1 9 3 और 8 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, फिर 5 से भागाकार किया, 1 1 8 ऐसे आ जाएगा, और फिर 8 से भागाकार किया तो 1 1 और 1 ऐसे आ जाएगा। यानी इनका अगर मैं एलसीएम देखूं तो क्या आएगा, 3 × 3 × 5 × 8 यानी 3 3 का 9 × 40 यानी कि 360। यानी कि ये लोग 360वें दिन मिल रहे हैं, और 360वां दिन क्या है, संडे है। संडे है यानी जब पूछ रहा है कि दोबारा ये लोग कब मिलेंगे, तो ये लोग दोबारा फिर 360 दिन के बाद ही मिलेंगे। ठीक है, तो अगर मैं ये मान लू ये अभी का जो 360 है ये आज का दिन है, मतलब कि अभी संडे है, तो आज से 360 दिन बाद कौन सा दिन आएगा ये हमें निकालना है, है ना। तो आज से 360 दिन बाद निकालना है, तो तुझे पता है दिन को निकालने के लिए हमें डे का क्या दिया रहता है, कोड रहता है, मंडे का 1, ट्यूसडे का 2, है ना। जैसे मैंने बताया कि मंडे का क्या होता है 1, ट्यूसडे का होता है 2, वेडनेसडे का होता है 3, थर्सडे का होता है 4, फ्राइडे का होता है 5, सैटरडे का होता है 6 और संडे का होता है 7 या 0, ये कोड होता है। और कौन सा दिन आएगा उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस 7 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि 7 दिन होता है पूरे हफ्ते में, है ना, 7 दिन। तो 360 को 300 आज से 360 दिन बाद कौन सा दिन आएगा वो निकालने के लिए मैं 7 से इसको डिवाइड करता हूं। तो देखते हैं क्या आएगा, 7 × 14 7 × 21 7 × 28 7 × 5 35 1 10 और 7 × 9 7 यानी बचा 3। अब देख 3 रिमाइंडर है, तो इस रिमाइंडर को हम क्या करते हैं, रिमाइंडर को जो आज का दिन हमारा रहेगा, यानी आज का दिन कौन सा, हमने माना है आज है संडे है, तो संडे में अगले 360 दिन के बाद 3 दिन और जुड़ जाएगा, तो संडे प्लस 3 यानी कौन सा दिन आ जाएगा, संडे के बाद 3 और जोड़ो तो मंडे ट्यूसडे वेंसडे। बात समझ में, या ऐसे ही कोड देख के पता कर सकती थी ये कौन सा दिन आएगा, समझ में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर, वेंसडे। ठीक है, वेंसडे, चाहे तो तू उसमें संडे में जोड़ दे या सीधा कोड देख ले, रिमाइंडर 3 कोड है 3। ठीक है, तो हाँ अगले वो कौन से डे में फिर मिलेंगे, जब वो मिलेंगे विच डे विल दे 3 मीट अगेन, नहीं नहीं नहीं, ठीक है, समझ में आ गया, ओके।